गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बड़ा प्लान था मेरा, मैंने बोला आज जो है ना चिकन और मटर जो है ना आज उसका जो है ना सालन बनाऊँ, साथ जो है ना एक राइस बनाऊँ और मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों को, सबको दिखाना चाहता था कि आप लोग भी देखें। और एक और चीज़ मैंने मेरा जो असिस्टेंट है वो भी आप देखें, मैंने अपने असिस्टेंट को भी बुलाया, ये रहा असिस्टेंट मेरा। हाँ जी इधर से गुड गुड। ये है जी चिकन मटर और ये वो रखा हुआ मसाला जिसमें प्याज टमाटर और अदरक लहसुन। कुछ लोग होते हैं जिनका तरीक़ेकार होता है कि अदरक भुनाई करते हैं टमाटर प्याज या वो अदरक लहसुन डाल के भुनाई करते हैं, पर मैं कुछ अलग दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा आज आप लोगों को कुछ अलग चीज़ दिखाऊं ताकि मैं आप लोगों को भी पता चले, आप लोग भी देखें कि हर चीज़ का जो है ना एक तरीक़ेकार। और हार्डली 10 to 15 मिनट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा ये। चलें जी पहले तो आप रखें एक ये पतीली रख लें, कढ़ाई रख लें, फिर साथ आपने रख लें ऑयल। कुछ लोग यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें या देसी घी यूज़ करें, जो जिसका जितना है वो उतना यूज़ करें, उस हिसाब से यूज़ करें। और उसके बाद जो है ना अब आगे चलें, पहले चूल्हा भी जलाना है, उसके बगैर तो कोई काम नहीं होना, चूल्हा भी जलाना है साथ। ओह ये देखें जी, चलो जी उन्होंने बोला जी कि खाली टमाटर प्याज अदरक लहसुन का मसाला की बनाना है, साथ साथ जो है ना आपने मटर भी डालने हैं इसके अंदर, वो पहले ही डाल चुका है। कुछ लोग हैं जो बनाते हैं मसाला ब्राउन करके, प्याज ब्राउन करके और फिर टमाटर डाल के फिर उसके बाद जो है चिकन और ये मटर वगैरह या आलू वगैरह जिस तरह वो बनाना चाहते हैं, पर मेरा तरीक़ेकार कुछ अलग किस्म का, मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखें। भाई साहब शुरू करें, शुरू करें। मसाला तो ग्राइंड हो चुका है, तैयार हो गया, पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, इसमें मैंने थोड़ी सी लस्सी ऐड की है जो फ्लेवर देगी, टेस्ट देगी आगे चिकन को और मटर को। सो तेल भी गर्म हो गया है और फ्राई पैन ये भी पतीला सॉरी ये भी गर्म हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो पहले चिकन को डालते हैं और इसमें, पर मैंने जो स्टार्ट किया मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये हम इसको डालेंगे। जब तक मसाला तैयार नहीं होगा, जब तक मसाला तैयार नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा इसका, सारा काम जो है मसाले का है। तो गाइस अब इसके बाद जो है इसके अंदर मसाले डालने हैं, जैसे आप देख लें हर किसी का अपना अपना तरीके का है, कुछ अलग चीज़ें डालते हैं कुछ अलग डालते हैं, पर लाल मिर्चें हल्दी और नमक तो मस्ट ही मस्ट है, पर कुछ ऐसी चीज़ मैंने इसके अंदर डाली है जो मेरी अपनी बनाई हुई है। तो सो आगे आपको मैं दिखाता हूँ जब मैं चिकन डालूँगा मटर डालूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसकी बनाई कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर लंबा करता रहूँगा तो ये तो लंबा ही होता रहेगा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना पकता रहेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो पहले मैं इसकी बनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस मसाला तो भुन गया है, अब इसमें डालना है चिकन, चिकन डालेंगे और साथ डालेंगे मटर। बेसिकली चक्कर ये है कि मैंने इसलिए इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि पानी चिकन पानी डालेगा छोड़ेगा और वो जो है सारा कुछ उसी में जो है ना वो इसकी बनाई होगी, तो जब इसकी बनाई हो जाएगी एंड आखिरी टाइम पे फिर थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे और फिर मैं आपको इसका मेन चीज़ जो होती है जैसे बनाई करके या क्या कहते हैं आप टमाटर प्याज या कुछ ऐसा ये मसाला जब भुन जाता है वो आपको दिखाऊंगा कि ये सही तरीका इसका क्या है, बेसिकली इसका तरीका क्या है। जब भुन जाता है तो कैसे पता चलता है कि ये भुन गया है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सो और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको सिर्फ,
तो ये अपने सही लुक में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाई इसकी कितनी हो गई है, किस हिसाब से, एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा आगे। ऑयल मैंने डाल दिया है, अब ये आ गया आपकी पोजीशन में, समझ लगे। सिर्फ इसकी अब बुनाई करनी है, और बुनाई इस तरह की करनी है कि एक एक चीज़ जो है ना इसकी मसाले की, वो पता चलना चाहिए दानेदार टाइप का। जैसे जब भून लूँगा ना, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह बुनाई की जा रही है और किस तरह इसको जो है ना तैयार करके मसाले को, वो मसाला पता चलेगा। अभी इसका जो है ना आप टेक्सचर देखें, ये इस तरह का, और जब इसकी बुनाई होगी फिर आप देखिएगा कि इसका टेक्सचर किस तरह का हो जाएगा। और वो समझ लें कि मसाला भी तैयार है आपका, आलू और मटर और चिकन तैयार हो गया। सो गाइस, ये हो गई है इसकी बुनाई, और इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी है। सिर्फ आपको सिर्फ जो चीज़ दिखाना चाह रहा था आप वो देखिएगा, ये इसका एक एक दाना चेक कीजिएगा मसाले का। जब मसाला इस तरह हो जाता है ना, एक गुटलियों टाइप का या फटा फटा सा, तो समझ लें कि वो रेडी हो चुका हुआ है। बस अब इसमें जो है ना एक गिलास पानी डालेंगे या एक कप, बहुत है। लो जी, ये तैयार हो गया मटर चिकन। अब इस मटर चिकन के अंदर आप लोग बटर ऐड कर लें, उसको बटर चिकन बना लें, या आप मक्खन ऐड कर लें मक्खन चिकन बना लें, या जैसे आपको दिल करे वैसे करें। सो ये आखिरी इसका मतलब है। और अब टेस्टिंग, अब पूरी फैमिली बैठेगी, हम लोग सारे बैठेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिंग होगी और फिर पता चलेगा कि ये कैसा बना है। तो आप लोग भी बताइएगा, पहले तो हम लोग पूरी फैमिली टेस्ट करेंगे, हम लोग टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे कैसा था। तो सो आपको फिर मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो। और ये इसका आखिरी है, इसके ऊपर जो है अदरक धनिया हरी मिर्चें वगैरह डलेंगी। और फिर मैंने तो टेस्ट किया, बहुत आला 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 क्लास का जो है ना टेस्ट था इसका। पर अब बात आ जाती है हमारी शेफ़ की, जो शेफ़ हैं वो चेक करेंगी भाई, वो हमारी गवर्नमेंट चेक करेंगी, टेस्ट पास करेंगी, तो फिर जो है ना पता चलेगा कि हाँ ओके है या नहीं है। सो आगे देखो क्या होता है, पास हो जाए बस। वैसे तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया हुआ था कि मैं प्रोफेशनली शेफ़ हूँ, पर कॉन्टीनेंटल और इटालियन। पर अब कुछ हालात इस तरह के हैं, आप जानते ही होंगे, कुछ मसले पाकिस्तान के हालात ही इस तरह के। सो अब देखें क्या रिज़ल्ट आता है आगे जाके। थैंक यू। सो गाइस, मैं हम लोगों ने खाना खा लिया, मेरी वाइफ को बहुत पसंद आया। वो एक्चुअली दिखाना नहीं चाह रही थी कि मैं खाना खा रही हूँ, तो वो फिर भी उसने खाना खा के वो बोल रही थी कि मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को कि मुझे कितना पसंद आया। तो थैंक यू, ये देखें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बहुत मज़े का डिनर था आज, बहुत मज़ा आया है, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करके खाया है। बच्चे भी मेरे सो गए हैं और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अपने डिनर को। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हमें आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है हमें, हमारा दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कुछ अच्छा से अच्छा करें, जो हमारे हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। थैंक यू। खाना बहुत मज़े का लगा, इसका मतलब पास हो चुका हुआ है। तो
आगे अब आप बताएं कि क्या करना चाहिए आगे, और मज़ीद खाना बनाऊं कुछ ऐसा कि मेरी वाइफ को मेरे बच्चों को पसंद आए। थैंक यू सो मच।